पापा वो सुमित, सुमित के माँ बाप, वो तीनों के तीनों धोखेबाज थे, फ्रॉड थे। जो रस्में उन्होंने यहाँ पर निभाई, मेहंदी, संगीत, सब कुछ एक दिखावा था। वो दिया के साथ फेक शादी करके दिया की जिंदगी का एक मजाक बनाना चाहते थे। फेक शादी? उर्मी तुम ये बोल क्या रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रहे पापा, लेकिन जब तक हमें पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। मेहमान आ चुके थे, मंडप सज गया था, दिया दुल्हन बन चुकी थी, बाहर मीरी आई थी, बारात के आने का वेट कर रही थी, तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। अब आप ही बताइए, ऐसी सिचुएशन में अगर शादी नहीं होती तो क्या होता? बस बात, उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही की, और हमने शौर्य को दूल्हा बनाना सही समझा। हम और एक बार दिया को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते थे पापा, किसी भी कीमत पर। इसीलिए आपने शौर्य सर की जिंदगी को दांव पर लगा, शौर्य सर की जिंदगी को दांव पर लगा। मेरे साथ अन्याय ना हो इसलिए आपने इनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया, आपने इनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। क्यों आंटी, क्यों इन्हें ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया? ऐसी लड़की से शादी क्यों करा दी जिससे वो प्यार ही नहीं करते? ऐसी बात नहीं है दिया। ऐसा ही है। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, आपको नहीं करनी चाहिए थी ये शादी। आप लव मैरिज करना चाहते थे, आप एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जिसे आप पसंद करते हैं। जैसी लड़की आप चाहते हैं मैं वो नहीं हूं, मैं आपकी पसंद नहीं हूं, आपका प्यार नहीं हूं। पर क्यों किया इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर? क्यों ऐसे साथ मेरे लिए, मेरे साथ जिसका बोझ मैं 7 जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगी? मीरो, मेरे बेटे ने तुम पर कोई उपकार नहीं किया, शौर्य ने तुमसे शादी की है। हाँ, आंटी शादी की जो नहीं करनी चाहिए थी, बहुत गलत किया आपने। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब तो तुम्हारी दिया भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। और भी आपको क्या लगा कि आपकी दिया इतनी कमजोर है? अगर मेरी बारात नहीं आई, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं शर्म से टूटकर बिखर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मेरा मजाक ना बने इसलिए आपने अपने बेटे के फीलिंग्स का मजाक बना दिया। मेरी खुशियों के लिए आपने अपने बेटे की खुशी की बलि चढ़ा दी। ऐसा क्यों किया? बहुत गलत किया, बहुत गलत दिया। सही कह रही है दिया, शी इज राइट। फिर से अपने आप को मदर इंडिया प्रूफ करने के लिए आपने कर ली ना अपनी मनमानी। भाई की जिंदगी, उनकी खुशियां सब बर्बाद कर दिया ना आपने। With your so-called decision, damn it! What do you think of yourself? क्या समझती हैं आप अपने आप को? अब जो कहेंगी, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। अरे हम आपके हाथ की कठपुतली नहीं है जिसे जब मन करा जैसा मन किया वैसे चला दिया। मैं सब सही समझ रही हूँ। अच्छी से जानती थी ना आपकी भाई दिया से प्यार नहीं करते, फिर क्या जरूरत थी भाई की दिया से शादी करवाने की? हाँ, क्यों करवाई आपने भाई की शादी दिया से? उर्मी, बेटा इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने शौर्य को पूछा एक बार? उर्मी, शादी कोई मामूली बात नहीं है, जीवन भर का रिश्ता है, इसलिए तुम ऐसे कैसे
पापा जी हम जानते हैं। तो तुम ये भी जानती हो अच्छी तरह से कि शौर्य के साथ पास्ट में क्या हुआ था। और भी शौर्य का एक खौफनाक अतीत है और उस अतीत की एक दर्दनाक कहानी है। अपने पहले रिश्ते में उसने बहुत दर्द बहुत बहुत तकलीफ देखी है उर्मी, इसलिए नहीं चाहते कि अब इस दूसरे रिश्ते में भी उसे दुख मिले। ऐसा नहीं होगा पापा, ऐसा नहीं होगा, आप हमारा विश्वास कीजिए। हम जानते हैं कि शौर्य अपने बीते हुए कल में उस रिश्ते में उस लड़की में उलझ सा गया था। वो लड़की उसे छोड़कर जा चुकी, इस बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं था। लेकिन आप जानते हैं ना कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, और हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा जिंदगी में आगे बढ़े। ये बात तो बिल्कुल सही है उर्मी दीदी की। अग्रीड, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई किसी से भी शादी कर ले। अरे अच्छी से अच्छी लड़की है, देन व्हाई दिया? क्योंकि दिया बहुत अच्छी लड़की है। और हम कह रहे हैं कि शौर्य दिया के साथ बहुत खुश रहेगा। पापा आप तो जानते हैं कि चूड़ियां ऊपर से बंद कराती है। पापा ये संजोग है, ऐसे हालातों में यही होना था। दिया और शौर्य की शादी लिखी थी पापा। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा, उन्हीं का लिखा हुआ कौन टाल सकता है। आई विश एंड आई प्रे कि ये रिश्ता शौर्य की ही नहीं बल्कि दिया की जिंदगी को भी खुशियों से भर दे। गॉड ब्लेस देम बोथ। तुम गुस्सा किस बात पे? सुमित से शादी नहीं हुई इसलिए या मुझसे हो गई इसलिए? अच्छी दोस्त थी ना तुम मेरी, सुमित से प्यार, सुमित से शादी, वो हंसी वो खुशी सब दिखावा, झूठ। पता चल गया मुझे दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला। कोई प्यार व्यार नहीं करती थी तुम सुमित से? हाँ नहीं करती थी उससे प्यार, पर आपसे भी नहीं करती। And most importantly, मैं ये जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। दिया मैं तुमसे प्यार नहीं किया है। आई नो, उपकार किया, एक और एहसान कर दिया मुझ पर कि दिया की बारात नहीं आएगी तो शर्म से मर जाएगी बेचारी, तो मरने देते। अब जो आपने किया है उससे क्या जी पाऊंगी? जिंदगी भर आपके एहसान के बोझ के नीचे मरती रहूंगी। ये शादी की है आपने? हाँ ये शादी की, दिल से की, खुशी से की, प्यार से की। पसंद हो तुम मुझे? झूठ, मैं आपकी पसंद नहीं हूँ, आपकी पसंद कुछ और है। तो तुम्हारी पसंद भी तो कुछ और थी। वो सुमित नहीं, वो लड़का नाकाम, वो रिश्ता नाकाम, वो कस्मे वो रस्मे सब कुछ। अगर कुछ नाकाम है ना सब, तो वो है हमारी शादी, तो वो है हमारी शादी। दिया प्लीज सर, प्लीज, बहुत बोल लिया। बोलने से रिश्ते नहीं बनते हैं सर। दिया मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है सर, प्लीज। अब मैं और झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे तुम मुझे मेरी बात तो करने दो सर। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज जाइए ना। तो मेरा दिल उस दिन भी नहीं दुखा था जिस दिन करण ने मेरा साथ छोड़ा था। प्लीज जाइए यहाँ से। तुमने मुझे करण जैसा समझा? और क्या समझू, करण ने मेरा हाथ छोड़ के मुझे आईना दिखाया और आपने मेरा हाथ थाम के मुझे आईना दिखा दिया। धरती मेरी थी, फूल मेरे चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करती रही। आईना तो तुमने आज मुझे दिखा,
मैं करण जैसा सुनना चाहती है ना समझना चाहते नाराज हो हमसे शौर्य मां मैं हर कोई हमसे नाराज है बेटा हर कोई हमसे सवाल कर रहा है कैसे सवाल मां किस बात पे नाराज हम जानते हैं शौर्य सिर्फ अपने ही अपनों से नाराज होते हैं अपने ही अपनों से सवाल करते हैं और आज हम खुद अपने आप से सवाल कर रहे कि आज हमने जो किया वो सही था या गलत आज हमने जो फैसला लिया उससे हमारा बेटा खुश है या नहीं ट्रस्ट मी शो उस वक्त हमें जो सही लगा ना हमने वही किया शो हमें गलत मत समझना ऐसा मत समझना कि दिया की जिंदगी संवारने के लिए हमने अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाई ऐसी बात नहीं है मां ऐसा क्यों सोच रही क्योंकि कोई भी हमारे फैसले से खुश नहीं है शौर्य दिया एक अच्छी लड़की है और हमने सोचा अगर संजोग से ये बात हो रही है तो ये अच्छी बात है क्योंकि हमें पूरा विश्वास है शौर्य कि तुम और दिया एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे पर अब ऐसा लग रहा है कि कोई हमसे खुश नहीं है माँ आप गलत नहीं हो माँ याद है जब आपने मुझसे मेरी पसंद पूछी थी तो क्या कहा था कि कहीं वो दिया तो रहे आप गलत नहीं थी पुतियाई मैं खुश हूं कि मेरी शादी दिया से हुई हमें खुश करने के लिए कह रहे हो शौर्य खुशी से कह रहा हूं मुझे दिया बहुत अच्छी लगती है और आप टेंशन मत लो सब सही हो जाएगा मैं सच में बहुत खुश हूं और दिया पता नहीं क्या सोचती सॉरी लेकिन आप उसकी भी टेंशन मत लो आपकी उम्मीद आपका फैसला सब सही होगा जो रिश्ते वक्त बनाता है ना उन्हें थोड़ा वक्त तो देना चाहिए लेकिन ये रिश्ता मैं अपने पूरे दिल से निभाऊंगा ये वादा है मां आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं मां मैंने अपनी जिंदगी आपके हवाले की थी और आपने उसे किसी और के हवाले कर दिया
माँ के इशारे से ही हुई है ये शादी थी। दिया, तुम इस बात को मानती हो ना कि भगवान ने सबकी जोड़ियां पहले से ही बना रखी है, बस एक दूसरे का मिलना बाकी होता है। कभी कभी वो हमारी नजरों के सामने होता है और कभी कोसो मिलू तू। लेकिन बेटा बारात लेकर दरवाजे तक वही आता है जिसे वो चुनते हैं, वो सबके लिए एक जीवन साथी चुनते हैं और तुम्हारे लिए उन्होंने शौर्य को चुना है। बेटा आई नो ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हो गया और समझ सकते हैं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे बेटा, काफी सारे शिकायतें होंगी, लेकिन हमने ये फैसला तुम्हारी कमजोरी मिटाने के लिए नहीं लिया है बेटा, हमने ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि तुम और हमारा शौर्य एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। और रही शौर्य की बात, तो दिया माँ है हम उसकी और एक मां से बढ़कर बेटे की क्या खुशी है कोई नहीं समझ सकता। मां मानती हो हमें? आंटी आप मेरे लिए हर रिश्ते से ऊपर हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस ऐसा लगता है जैसे मेरा रिश्ता जोड़ते जोड़ते आप अपने शौर्य सर का दिल तोड़ दिया। नहीं बेटा, सही डायरेक्शन में जब हम कदम बढ़ाते हैं तो वो मंजिल की तरफ ही होता है। एंड इन लाइफ यू ऑलवेज हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड यू विल टेक द नेक्स्ट स्टेप। अपनी नई जिंदगी की ओर अपना कदम बढ़ाओ दिया। आज से तुम यहां नहीं, शौर्य के साथ रहोगी दी, शौर्य के साथ रहोगी दी। मेरे सारे किए कराए पर पानी भर गया, सारा प्लान चौपट हो गया और अभी उर्मी मेरा इतना बड़ा रास निकल के बैठी है। मुझे धमकी देती है कि अनिरुद्ध मुझे इस घर से निकाल देंगे। वाइफ पर नहीं, इससे पहले कि तुम कुछ करो मैं कुछ कर दूंगी। बहुत नचा लिया तुमने मेरे घर वालों को, अब तुम देखना कैसे मैं तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींचती हूं। ऐसा बदला लूंगी कि तुमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। बहुत मां दुर्गा की दुहाई देती हो ना तुम, कि तुम शायद भूल गई कि मां दुर्गा का एक रूप मां काली भी है। मां काली भी है। आज से तुम यहां रहोगी दिया। गुड नाइट।
शौर्य और दिया की शिवरात्रि। तुम्हारी काल रात्रि। मैं मनाऊंगी, मैं मनाऊंगी, मैं।